हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग। एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के। हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन में 418 का 572 5.72% कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 418 गुना 572 और बट्टा में हम 100 डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले था दशमलव, अब दशमलव को हटा करके बट्टा में 100 डाल दिए और परसेंट के सिंबल की जगह पे 1/100 हम डाल दिए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगी, लेकिन 418 को 572 से गुना करना ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, इसको जितना फास्टली हो सके उतना फास्टली आप लोग गुना कर लीजिए। तो देखिए, तो 572 और 418 इस रूप में आपको गुना करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको ट्रिक काम कर जाए। 8 × 2 = 16, 8 × 7 = 56, 57, 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 45, 1 × 2 = 7 और 5, 4 × 2 = 8, 7 × 4 = 28 और 5 × 2 = 20, 2 = 22, 6 × 7 = 9, 7 × 5 = 12, 8 × 12 = 8, 20, 8 × 5 = 13, 13 × 4 = 17, 2 = 19, 2 × 1 = 3 और 2। देखिए हमको कितना निकला फाइनली, 239096, 239096। अब देखिए यहाँ पे इसको चलिए हटा देते हैं, वो रफ का काम था। अब यहाँ पे बट्टा में कितना है, 40 है। अब 40 को कटा करके 1, 2, 3 और 4 यानी कि 23.9096 आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर जो है ये है ऑप्शन बी। तो ये रही इस क्वेश्चन में, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा 468 का 23% के बराबर है। 468 का 23% के बराबर है कौन, तो हमको निकालना पड़ेगा 468 का 23% बराबर व्हाट, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगी, इसमें भी बस वही बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 23 से इसको गुना कर लीजिए। तो गुना करने का एक तरीका ये आप अपना सकते हैं, 468 × 20 + 3 कर सकते हैं, अब बट्टा में तो 100 है ही। इसको देखिए कैसे करेंगे, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 और 6 × 12 = 13, 4 × 2 = 8 = 9, इतना अब प्लस 8 × 3 = 24 और 6 × 3 = 18 = 20 और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14। और इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 4, 6 और 4 × 3 = 7, 9 × 1 = 10, इतना अब बट्टा में क्या आएगा, ये 100 है यानी कि 107.64। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहता है, 500 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा। 3-4% देखिए कभी भी आप घबराइएगा नहीं, आप लोग को जैसा दिया हो ऐसे आप लोग कर लेना है। 500 रुपये का 20% तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 500 का 20% मतलब 20/100 का 15% का 10% बराबर व्हाट क्या होगा। अब इसको आप लोग को सॉल्व करना है, तो क्या कर, 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पे कटा सकते हैं, फिर 1 और 2 जीरो से 1, 2 जीरो और कट गया। अब देखिए किससे कटेगा, 5 × 5 और 20 × 5 = 100, फिर इसको कटेंगे 2 से 2 × 2 और 2 × 20 यानी 15/10, फिर 5 से कटेगा 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 3/2। आपको आंसर दिया है दशमलव में, तो इसको दशमलव में काटिए तो 1.5 आ जाएगी। नंबर 20 में देखिए क्या कहता है, 2000 का 5% का 5% क्या होगा। तो 2000 रुपये का 5% का 5% कितना होगा, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएगी, अब बच गया 2 × 5 = 10, 5 से 1 कट गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, 1500 का वाट प्रतिशत, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1500 का एक्स प्रतिशत, वाट की जगह पे एक्स डाल देंगे, 1500 का एक्स प्रतिशत प्लस 50 बराबर 500। इसमें से हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 100 से 100 कटा देंगे तो 15x
15x बराबर इधर है 500, ये 50 जो है जब बराबर के उस पार जाएगी तो क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। तो 15x बराबर 450, ठीक है, ये 500 में से ये 50 घट जाएगी, 450 रहेगी। तो 15 एकम 15, 15 दिया 45, यानी x का वैल्यू कितना आया, 30 आ गया, ये वाली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहता है, 96 का 8% बराबर x का 1/25, तो x का वैल्यू निकालिए। तो देख लीजिए 96 का 8% बराबर x का 1/25, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, नीचे को नीचे से तो कटा सकते हैं, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 2 8। अब देखिए x बराबर 96 को 2 से गुना करिए, x बराबर 96 को 2 से, 14 12 9 18 19 192, ये वाली आंसर ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहता है, 450 का 27% माइनस 375 का x प्रतिशत बराबर 76.5। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको जहाँ पे कटे उसको कटा देते हैं, ये 5 से कट जाएगी, 5 9 45, 5 2 10, अब ये नहीं कटेगी, तो इसको गुना कर लीजिए, 9 7 63, 9 2 18 6 24, 243/2 माइनस, ये भी कटेगा 25 से, 25 चौका 100, और 25 से 25 एकम 25, 25 5 125, 15x बट्टा 4 बराबर 76.5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 76.5 जो है ना, दशमलव को हटा करके बट्टा में क्या लिख देते हैं, बट्टा में 10 लिख देते हैं, ये दशमलव हटा देते हैं। तो अब ये कटेगा 5 से, 5 2 10, और 5 से 15 5 75, 5 3 15, 153/2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 15x, यहाँ पे क्या करना है, 15x यानी कि माइनस 15x/4 बराबर 153/2। अब ये इधर है किसमें, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी, माइनस 243/2, 243/2। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस 15x/4 ऐसे ही रहेगी बराबर। अब ये देखिए जब नीचे में बराबर ही है तो हमको ज़्यादा एलसीएम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तो एलसीएम के बट्टा में तो 2 ही लिखाएगा। अब यहाँ पे 153 में से 243 को माइनस करनी है, तो 243 में से 153 माइनस हो जाएगी और माइनस 90 यहाँ पे आ जाएगी, आ जाएगी ना, माइनस 90। चलिए तो 3 में से 3 गया 0 और 9 5 14, ठीक है, माइनस 90। तो अब देखिए अब ये कट जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगी, 2 2 4 कट जाएगा, 15 6 90, यानी कि 6 2 12, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 12, एक्स का वैल्यू आएगा कितना, 12। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, 50 का 860% 50 का 860% प्लस 860 का 50% बराबर x। तो सिंपली आपको देखने में यहाँ पे क्या दिख रहा है, 50 का 860%, 860 का 50%, दोनों बिल्कुल सेम है, यानी 50% और 50% आपस में मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी, 100%, यानी कि 860 का 50%, 860 का 50% हुआ, बात वही ना, 860 का 50% और 860 का 50%, दोनों बात बराबर है। तो अब इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगी कितना, 860, 860 का 100% यानी कि 860 ही हो जाएगी। तो ये तो रहा मतलब कि थोड़ा स्मार्ट तरीका, अब हम इसको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं।
इसको कटा दीजिए, इसको भी कटा दीजिए, तो पाँच छः तीस, आठ पाँच चालीस और तीन 43 प्लस यहाँ भी उतना ही आ जाएगा 430, जीरो तीन तीन छः चार चार आठ, उतना ही आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहता है, 400 का 4% माइनस 800 का 2% कितना होगा। 400 का 4%, 400 का 4% माइनस 800 का 2% बराबर एक्स होगा। तो यहाँ पे फिर ऐसे ही कर लीजिए, तो 4 चौका 16 माइनस 8 दूना 16, 16 में 16 का कितना हुआ, 0 आपका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहता है, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, तो हम क्या मानते हैं, 90 का x प्रतिशत 240 होगा। तो 90 का x प्रतिशत बराबर 240, बस यही इसमें पूछ रहा था। इससे कटा दीजिए, फिर ये कटेगा 3 से 3 3 9 और 3 8 24, तो x बराबर 8 × 80/3 आपको आंसर चाहिए किसमें, पूर्णांक में, पूर्णांक में, तो 3 × 6 और 3 × 6 = 18 2/3 कहीं पे आ रहा नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या कहता है, संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत है। मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि आपको क्या मानना है, आंसर हमारा एक्स है। तो संख्या 35 जो है संख्या 75 कितना परसेंट है, तो संख्या 35 जो है वो संख्या 75 का एक्स परसेंट है। तो संख्या 35 जो है वो संख्या 75 का एक्स प्रतिशत के बराबर है। तो अब यहाँ से इसको कटाइए, 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100, अब नहीं कटेगा। तो x बराबर 35 को 4 से गुना करिए 140 बट्टा में 3, आंसर हमको चाहिए पूर्णांक में, तो 3 चौक 12 3 6 18 2/3, देखिए इतना आंसर है कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहता है कि 18 ग्राम जो है वो 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी कि 18 ग्राम और 7.2 किलोग्राम, यहाँ पे देखें कि 2 यूनिट है, 2 यूनिट कभी भी आपस में कैलकुलेशन नहीं हो सकती, और यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा तब आपको कैलकुलेशन आसानी से बनेगी, तभी आपका कैलकुलेशन जो है पॉसिबल है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन जो है इलीगल हो जाएगी मैथ की दृष्टि से। तो 18 ग्राम और किलोग्राम, देखिए ग्राम और किलोग्राम में एक चीज़ हम लोग समझते हैं, ग्राम और किलोग्राम ग्राम है और किलोग्राम दोनों जो है वेट यानी कि वजन का मात्रक है। ग्राम छोटी इकाई है और किलोग्राम बड़ी इकाई है। ग्राम को हम लोग जी से सूचित करते हैं, इसको हम लोग केजी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे क्या होती है कि 1000 g = 1 kg। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन आसानी से आप लोगों को क्या बनेगा, आसानी ये होगा कि आप लोग मतलब छोटी यूनिट में रखिए, तो किलोग्राम 1 किलोग्राम और 1 ग्राम में ज़्यादा कौन है, किलोग्राम ज़्यादा है, छोटा यूनिट कौन हुआ ग्राम, तो हमको सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा कन्वर्ट, 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना परसेंट है, देखिए यहाँ पे 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 18 ग्राम जो है 7.2 किलो का कितना परसेंट है, तो 18 ग्राम बराबर 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट, देखिए ग्राम में है ये किलोग्राम में, सूट नहीं करता, तो किलोग्राम को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ग्राम छोटी इकाई है और छोटी इकाई को कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है इसलिए। तो हम इसको क्या करते हैं, 7.2 को पहले इस दशमलव को हटाने के लिए बट्टा में 10 डाल देते हैं। अब ये दशमलव यहाँ से हम लोग इसको हटा दें दशमलव को, ठीक है, 72/10 हो गई, और इस 72/10 की ये किलोग्राम में है ना, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसमें भाग दे देते हैं, सॉरी गुणा करना होगा,
तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करने वाली बात है कि ग्राम को जब हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तो हम लोग 1000 से ग्राम को जब हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1/1000 से गुना करेंगे, मतलब कि 1000 से भाग देंगे। और जब हम लोग को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से हम लोग इसको गुना करेंगे। ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो फिर आपको पता चलेगी बड़ी यूनिट को जब हम छोटी यूनिट बदलते हैं तो गुना करते हैं, और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बदलते हैं तो हम लोग भाग करते हैं। अब देखिए 18 ग्राम 7.2 का किलो का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 18 ग्राम बराबर 7.2 किलो, मतलब कि 7200, 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7200 का एक्स प्रतिशत है, ठीक है। अब इसमें से वैल्यू निकाल लीजिए, 18 कम 18, 18 चौका 72, 400 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो एक्स बराबर कितना आया, 1/4, पॉइंट में निकालेंगे तो 0.25 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्या कहता है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। अब आप लोग सोचिए क्विंटल और किलोग्राम में क्या संबंध होता है, तो किलोग्राम और क्विंटल यानी कि 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल के बराबर होता है, 1 क्विंटल के बराबर होता है, यानी कि 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, ठीक है, तो 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। तो अब देखिए किलोग्राम को जब हम लोग क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग किलोग्राम को क्विंटल में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1/100 से हम लोग इसको भाग करेंगे, यानी कि 1/100 से गुना कर देते, 100 से भाग देना ही हो गया। और जब हम लोग क्विंटल को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 100 से इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे हमको यूज करना होगा। अब देखिए 2 क्विंटल और 2 किलोग्राम, तो 2 क्विंटल मतलब कि 200 किलो, 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 2 क्विंटल में 200 किलो, तो 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितना प्रतिशत, 2 क्विंटल जो है यानी 200 किलो जो है वो 2.5 किलो कितना परसेंट, यानी 200 किलो जो है वो 2.5 किलो का कितना परसेंट, यानी कि वो एक्स प्रतिशत है। इस पॉइंट को हटा देते हैं, बट्टा में कितना डाल देते हैं, 10। अब ये 25 से कम 25, 25 चौका 100, अब ये कटेगा नहीं कटेगा, 10 चौक 40, तो एक्स बराबर 4 × 8 यानी कि 8000 प्रतिशत। देखिए आपने कभी सोचा था कि 8000 प्रतिशत भी कहीं हो सकता है, लेकिन 8000 प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत को 0 से लेकर के कितना भी प्रतिशत हो सकता है, लाखों परसेंट हो सकता है, तो मतलब ये जो है 8000 गुना ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कहता है, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत। यहाँ पे देखिए आपका 3 यूनिट आ रहा, तीनों सेकंड का समय का यूनिट है, एक है आपका सेकंड, एक है आपका मिनट, एक है आपका घंटा, तो तीनों के बीच में आप लोग संबंध समझ लीजिए। सबसे छोटी यानी 60 सेकंड का होता है 1 मिनट, और 60 मिनट का होता है 1 घंटा, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में कितना, 3600 सेकंड, यानी 60 × 60। इसको हम आप लोगों को लिख के बता देते हैं एक बार, चूँकि हम आपको पहले से प्रॉमिस किए हैं कि आपको हर एक चीज़ आपको एक बार ज़रूर हम आपको लिख के बताएंगे। तो आइए देखते हैं, अब देखिए 60 सेकंड का होता है 1 मिनट, 60 मिनट का होता है आप लोगों को 1 घंटा, ठीक है। अब इसका कन्वर्शन अगर हम करेंगे तो देखिए 1 घंटा यानी कि मिनट को छोटी इकाई हो गया सेकंड, और बड़ी इकाई हो गया मिनट, और उससे ही बड़ी इकाई हो गई क्या, घंटा। तो अब देखिए तो 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटा में 60 मिनट, और क्या हुआ, तो उसके बाद फिर 1 घंटा में अगर हम सेकंड बदलेंगे तो अभी देखिए ये जो 60 मिनट है, अगर हम 1 मिनट में 60 सेकंड तो 60 मिनट में 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड। तो ये आप लोग को तो पहले से भी याद होगा, नहीं तो रिवाइज हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
तो 1 मिनट 12 सेकंड, क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट 12 सेकंड मतलब कितना हुआ, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड और 12 सेकंड और एक्स्ट्रा जोड़िए तो 72 सेकंड, यानी कि 72 सेकंड जो है 1 घंटे का कितना परसेंट, यानी 72 जो है वो 1 घंटे का कितना परसेंट है। अब 1 घंटा, ये चूंकि इसको हम लिखे सेकंड में तो 1 घंटा को भी हमको सेकंड में लिखना पड़ेगा, तो 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, तो 72 जो है वो 3600 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब निकाल लें, 2 जीरो 2 जीरो इसको कटा देते हैं और 36 एकम 36 36 गुना 72, तो एक्स बराबर 2% आपका आंसर। समझ में आया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1 दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होगा। अब देखिए समय टाइम का जो यूनिट होता है सबसे छोटा था सेकंड, उसके बाद मिनट, उसके बाद घंटा, उसके बाद दिन। देखिए दिन में, एक दिन में कितना, तो आप लोग दिन जब सूरज निकली हुई जाती है ना तो उसको आप लोग सोचते कि ये दिन है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या फिर पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से दिन का मतलब क्या होता है, 24 घंटा, मतलब पूरा दिन सूरज निकलने से लेकर के एक बार सूरज निकला और अगला बार सूरज निकलने तक के बीच, तो आज सूरज निकला सुबह में और फिर कल सुबह जब सूरज निकलेगा उसके बीच के समय को बोलते हैं हम लोग एक दिन। यानी कि एक दिन में जो होता है, एक घड़ी जो होती है, एक घड़ी 12, 6, 3 और 9, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे उसकी घंटे की जब सुई होती है यहाँ से चल कर के फिर जब यहाँ पहुँचती है तो कितना हुआ, 12 घंटा, और फिर यहाँ से चल कर के फिर यहाँ पे पहुँचती है तो कितना हुआ, 24 घंटा। तो 24 घंटा का एक दिन होता है, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, 24 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन बोले तो एक दिन का कितना, एक दिन मतलब 24 घंटा। देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है, एक दिन मतलब होता है 24 घंटा, तो 24 का कितना प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत, अब बराबर 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट को हम वो क्या करता है, क्योंकि इसको हम घंटा में लिखे तो इस मिनट को भी घंटे बदलते हैं, 4 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, आधा घंटा में 30 मिनट, तो हम लोग 30 को क्या मानते हैं, आधा, यानी कि 4 + 1/2, यानी कि 4.5, 4.5 को हम लोग 4.5 लिखे या फिर 9/2 लिखे, तो हमको यहाँ पे क्या लिखें, 4 घंटा 30 मिनट को 9/2 लिख लेते हैं, तो 9/2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 9.5, मतलब कि 4.5 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट मतलब कितना, 4.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट कितना, 1.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट मतलब कितना, 2.5 घंटा, यानी कि 30 मिनट का होता है आधा घंटा, तो 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटा + 1/2 घंटा यानी कि 4.5 घंटा, किसी कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 9/2 हम लिए यहाँ पे लिख लिए, अब इसको कटाइए, 2 से ये कटेगा 50 टाइम, अब इसे को 2 से और कटा दीजिए, 2 12 टाइम में यहाँ पे आएगा 12 और 2 से आएगा 15, अब इसको देखिए ये कटेगा आपस में, 3 चौका 12 और 3 3 9, अब ये आपस में नहीं कटेगा, तो x बराबर 3 उधर 12 15 3 45 बट्टा में ये 4, हमको आंसर चाहिए पूर्णांक में, तो 4 से 11 पूर्णांक समथिंग आना चाहिए, ऑप्शन नहीं दे रहा है, एक बार फिर से बनाना होगा, पता नहीं कहाँ पे दिक्कत हो रही है। देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट है, एक दिन मतलब कि 24 घंटा, 24 घंटे का x प्रतिशत बराबर 4 घंटा 30 मिनट होता है, तो मतलब कि 4.5 घंटा, सॉरी साढ़े चार, ये तो बिल्कुल सही है, सिंपल सा ही तो क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन क्यों नहीं मिला, एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बताएंगे क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ। तो 3 8 24 और 3 3 9 फिर कटेगा, अभी 4 से कटेगा, 4 × 8 25 × 100, अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 25 3 75/4, तो x बराबर 75/4, कहीं पे मिस्टेक हो गई थी, 18 चौक 72,
18 चौक 72, 3 75 बट्टा 4। चलिए ठीक है, 18 पूर्णांक 3 बट्टा 4 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कहता है कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है। 2.5 लाख जो है वो 20 लाख का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल सिंपल है, 2.5 लाख जो है 20 लाख का कितना प्रतिशत है, इसको अगर कटाना चाहे तो कटा सकते हैं। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो x बराबर 2.5 × 5, 25 पचे 125, 12.5। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहता है कि 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा। अब बट्टा देख करके घबराइएगा नहीं, जैसा लिखा हो वैसे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो 3/4 का कितना प्रतिशत, 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होता है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, 2 से ये 50 टाइम में, अब ये कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो x बराबर 50 को 7 से गुना करके बट्टा में 3 लिखना पड़ेगा। तो 7 × 5 = 35, 350/3 हमको आंसर पूर्णांक में चाहिए। तो 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6 = 18, 2/3, 116 पूर्णांक 2/3 आपका आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 4/7 किसका 24% है। तो 4/7 जो है वो किसका 24% है, 4/7 जो है वो है x का 24%। ठीक है, अब आप लोग इसको कटाइए। तो 4 × 4, 4 × 6 = 24, 2 से 3 और 2 से ये 50, अब ये आपस में कोई नहीं कटेगा। तो x बराबर 50/21, अब इसको पूर्णांक में बदलना है। अच्छा नहीं, 50/21 ये ऑप्शन है, ये यहाँ पे क्या है कि बट्टा में ही इसका आंसर छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहता है, यदि x y का 90% है तो y x का कितना परसेंट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो सोचिए परसेंटेज के बहुत ज़्यादा परसेंटेज चैप्टर के बहुत ज़्यादा परसेंट पार्ट पे आपका कब्जा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। आप लोग थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा पूरा मैथमेटिक्स का, पूरा मैथमेटिक्स का रीढ़ जिस क्वेश्चन को बोल सकते हैं वो ये क्वेश्चन है। मतलब भाषा को इतना ज़्यादा घुमाया गया है, उसको आप लोग बिल्कुल आसानी से समझिए। क्या कहता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लेंगे एक्स्ट्रा। देखिए यदि एक्स वाई का 90%, यहाँ पे देखिए दो भाग है, एक है एक्स एक है वाई, एक है मान लीजिए कि एक है अभिषेक, एक है अभिषेक और एक है राहुल। तो देखिए क्या एक्स वाई का 90% है, एक्स वाई का 90% यानी कि एक्स जो है वो है वाई के 90% के बराबर, यानी कि अभी जो है वो राहुल के 90% के है बराबर। चलिए इसको अभिषेक राहुल को हटा देते फिलहाल में। देखिए एक्स वाई का 90% है, एक्स जो है वो वाई का 90% है, एक और फिर समझिए, एक है एक्स एक है वाई। क्या कहता क्वेश्चन में कि एक्स जो है वो वाई का 90% है, एक्स जो है वो वाई का 90% यानी एक्स अपने आप का तुलना जो है कंपेयर जो है वाई से कर रहा है। एक गरीब आदमी जो है अपना तुलना जो है एक अमीर आदमी से कर रहा है, एक छोटा आदमी जो है एक छोटा सा बच्चा जो है अपना जो तुलना है अपने बाप से कर रहा है। तो यानी एक्स अपना तुलना वाई से कर रहा है, जिसके साथ तुलना करेंगे हम यहाँ पे देखें तीर का निशान उसके तरफ हम लगाएंगे, इससे हमको ये साबित होगा कि एक्स जो है वाई का यानी एक्स अपना रिजल्ट के लिए वाई पे डिपेंडेंट है। वाई इसको देगा खाना तभी एक्स खाएगा, वाई के पास जितना रुपया रहेगा उसी अनुपात में एक्स के पास भी रुपया रहेगा। कितना यहाँ पे दिया है, एक्स वाई का 90% है
एक्स जो है वो है वाई का 90%। आप लोग को बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग को मानना पड़ता है, चलिए मान लेते इसका वैल्यू है 100 रुपया, तो 100 रुपया जो है किसका वैल्यू मानेंगे? तो हम यहाँ पे केंद्र बिंदु में दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है? वाई रखता है, क्योंकि वाई ही है जो एक्स को कमा के खिलाता है। तो एक्स वाई का 90% है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना रखेंगे? 100 मान लेते हैं, चलिए वाई को हम दे दिए 100 रुपया। अगर वाई के पास है 100 रुपया तो एक्स के पास कितना है? तो एक्स जो है वाई का 90% यानी 100 का 90% कितना होगा? 100 का 90% तो 90 ही होगा। तो इसी हिसाब से एक्स का वैल्यू 90 होगा, वाई का वैल्यू 100 होगा। अब अगले ही पल क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे पहले है एक्स, यहाँ पे है वाई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पहले वाई है फिर एक्स है, तो एक्स वाई का 90% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है? एक्स एक्स वाई का 90% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है? क्वेश्चन को बिल्कुल घुमा दिया है, आप लोग को बिल्कुल घुमाना पड़ेगा। देखिए एक्स वाई का 90% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है? तो अब देखिए यहाँ पे वाई का वैल्यू हम मान लेते हैं 100 है, एक्स का वैल्यू है 90, तो वाई जो है वो एक्स का कितना परसेंट है? के फोर कितना? तो वाई जो है वो एक्स का के फोर कितना परसेंट है? चलिए इक्वेशन में आके सज गया, हम यहाँ पे के का वैल्यू निकाल देते हैं। इक्वेशन देखें कैसे बनाए हम लोग, कि एक्स वाई का 90%, ये एक्स जो है वो वाई का 90% है, वाई को मान लेते हैं 100, क्यों? केंद्र बिंदु में वाई है, क्योंकि एक्स अपना तुलना जो है वाई से कर रहा है, तो इसलिए तीर का जो निशान, ये जो तीर का निशान है ये हम वाई के तरफ लगाए हैं, इसलिए क्या है कि एक्स वाई का 90% है, तो y को मान लेते हैं 100 है, तो x आ जाए कितना 90, चूँकि x जो है y का 90% है। अब अगले पल क्या बोलता है कि y जिसका वैल्यू है 100, तो यानी 100 जो है वो x का कितना परसेंट है? x मतलब 90, तो 100 जो है वो 90 का कितना परसेंट है? यहाँ पे हम लोग x नहीं मान लेते, हम यहाँ पे a b c d कुछ भी मान लेते हैं, तो k4 कितना हम मान लेते हैं, तो 100 जो है वो 90 का कितना परसेंट है, ये आपका निकल गया इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगी। तो देखिए, तो k बराबर 1000/9, हमको आंसर चाहिए किसमें? पूर्णांक में, तो इसको 9 एकम 9 बट्टा 1/9, 111 पूर्णांक 1/9 इसका होगा आंसर। इस क्वेश्चन को और भी अच्छी तरह समझने के लिए इसी बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन का अगला जो क्वेश्चन होगा वही आएगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग तो इसी में समझ गए होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, आपके लिए भी। नंबर 31 देखिए क्या कहता है, एक्स वाई का 40%, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है? देखिए एक्स वाई का 40% है, एक्स जो है वो वाई का 40% है, एक्स अपना रिजल्ट के लिए वाई पर डिपेंडेंट है, वाई मान लेते हैं 100 है, तो x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू जो है कितना है उसका 40%, तो x का वैल्यू होगा 40, y का वैल्यू कितना होगा 100। अब अगले ही पल क्या बोलता है, y x का कितना परसेंट है? y मतलब 100, 100 जो है मतलब बराबर, 100 जो है वो है x का कितना परसेंट, यानी कि 40 का कितना प्रतिशत? अब देखिए 4 × 8 यानी कि 250% होगा, तो अब इसको कटा दीजिए, 20 × 40, 20 × 5 = 100, 2 × 50, तो के बराबर 5 × 25 यानी कि 250%। चलिए समझ में आ गई होगी ये दोनों क्वेश्चन की मदद से, अब आपको परसेंट में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना भी लंबा से लंबा लैंग्वेज क्यों ना दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखिए, एक्स यदि x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x अनुपात y कितना होगा? क्योंकि हम आपको ये पहले ही चैप्टर बोल के समझा रहे हैं कि परसेंटेज जो चैप्टर, ये सभी सब चैप्टर का बाप है, इसलिए बाप को पहले सीख जाइए, फिर बेटा तक आराम से पहुंच जाएगा। देखें फिल्म में क्या होता करता, गुंडा जो होता है ना, जो वो क्या करता, सबसे पहले हीरो के बाप को उठाता है, हीरो या फिर उस बाप का जितना बेटा बेटी रहता है, हीरो हीरोइन जो भी है, सब के सब आ जाता है। वही बात है, परसेंट को आप कब्जा कर लीजिए, इसका जितना भी छोटा मोटा बाल बच्चा है ना, अजायज नजायज सब आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, यदि x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x अनुपात y क्या होगा? अनुपात का मतलब तो आपको
पहले से पता होगा, अगर नहीं पता तो हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता देते हैं खान सर की तरह। देखिए आप लोगों ने भाग का नाम तो सुना ही होगा, भाग भाग देना होता है ना, या फिर बट्टा करना, ए बट्टा बी, तो उसी तरह से हम लोग भाग देने को ही हम लोग बोल देते हैं अनुपात। भाग इसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं, यानी कि बट्टा को ही अनुपात, ये ए बट्टा बी नहीं बोल करके हम क्या बोल दिए, ए अनुपात बी है, क्या दिक्कत है। जैसे कि ए बट्टा बी जो है ना, इसी को हम लोग ए अनुपात बी भी बोल देंगे। चलिए लीजिए, हम ए बट्टा बी नहीं बोलेंगे, ए अनुपात बी बोलेंगे, ए अनुपात बी नहीं बोल के ए बट्टा बी बोल, यानी कि भाग देने को ही हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए अनुपात मतलब क्या हुआ कि अनुपात के रूप में, यानी बट्टा के रूप में लिखिए, ठीक है। यानी कि 10 अनुपात 1 को ही ना 10 बट्टा 1 लिखिए, तो हम क्या करना, 10 अनुपात 10 बट्टा 1 नहीं लिख करके हम इसको 10 अनुपात 1 लिख देंगे, क्या दिक्कत है हमको। तो यदि x का 10%, यदि x का 10% बराबर है, यानी x का 10% बराबर है y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y क्या होगा। देखिए x अनुपात y का मतलब क्या हुआ, x बट्टा y का वैल्यू आप निकालिए। अनुपात का मतलब बस यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करना, x बट्टा y का वैल्यू निकाल लेते हैं। लीजिए कैसे निकलेगा, देखिए तो हमको x बट्टा y चाहिए ना, तो x तो यहाँ पे है, ये है, y को इधर से बराबर के इस पार ले आते हैं, तो बराबर के इस पार आएंगे तो क्या होगा, ये बोलेगा हम बट्टा में रहेंगे, चलो रहो बट्टा में, 20 बट्टा 100, 10 बट्टा 100, 0 कटा देते हैं, 20 पंचे 100 कर लेते हैं, तो 10 जाएगा ऊपर 5 में, इसको भी कटा ही दीजिए, तो 2 बट्टा 1। अब x बट्टा वाई 2 बट्टा 1 बराबर 2:1, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। वैसे अनुपात चैप्टर में जब आएंगे तो अच्छा से आप लोगों को अनुपात चैप्टर को परत दर परत खोल के रख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कहता है, यदि a का 8%, b का 4% हो तो a का 20% कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, a का 8% b के 4% है, यानी कि a का 8% बराबर b का 4% के बराबर है, तो a का 20% बराबर b का कितना परसेंट। ये तो मुँह जवानी ही बना सकते हैं, पहली टाइप में है, ए का 8% बी के 4% के बराबर है, तो 8 और 4 के बीच में क्या संबंध आ गया आपका, 8 का बट्टा 2 है, यानी कि 8 का आधा 4 है, यहाँ पे 20 का आधा नहीं कर सकते आप वो, तो 20 का आधा क्या है, 10 है, तो आपका आंसर क्या हुआ, 10, तो यानी कि बी के 10% के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, परसेंट तथा बी बराबर ए का एक्स परसेंट, तो एक्स का मान निकालिए, ए का 90% बराबर बी का 30%, ए का 90% बराबर बी का 30% तथा बी बराबर ए का एक्स परसेंट, तो एक्स का मान निकालिए, कैसे निकलेगा, ए का 90%, तो यानी कि ए का 90% बराबर बी का 30%, और b बराबर a का x परसेंट, तो x का मान निकल। सबसे पहले तो हमको a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 100 से 100 कटा देते हैं, 0 से 0 कटा दीजिए, 3 × 9, यानी कि a बराबर b बट्टा 3, a बराबर क्या हुआ, b बट्टा 3। अब यहाँ पे क्या बोलता है, b बराबर, यानी कि b बराबर a का x प्रतिशत, b बराबर क्या होता है, a का x परसेंट, यहाँ पर क्या करते हैं, b बराबर 3a है ना, यहाँ पे ये चीज़। अब देखिए तो b बराबर a का x परसेंट, तो यहाँ पे b बराबर a का x परसेंट, तो a का x परसेंट। अब यहाँ पे x का आपको वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पे क्या करना है, b और a को आपस में मिला देते हैं, तो यहाँ पे देखिए b के जगह पे क्या लिख देते हैं, b के जगह b बराबर क्या है, 3a, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3a, बी के जगह पर हम लोग 3a लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 3a लिख दिए, 3a ए जो इसको बट्टा में कर देते हैं, बट्टा a, अब बराबर क्या हुआ, x बट्टा 100,
यहाँ पर देखिए a से a कट गया तो x बराबर 100 होती है 300, तो x बराबर 300 तो 300% के बराबर होगा। कुछ दिक्कत है नहीं है। वैसे भी आपको यहाँ पर देख रहा है कि इसको आपस में a जो है b के कितना परसेंट बराबर है, 300% के बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। यदि y का x परसेंट 100, y का x परसेंट 100 हो तथा z का y परसेंट 200 हो, तो x और z में क्या संबंध है। पहले देखिए दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। y का x परसेंट बराबर 100, ठीक है, तो yx बराबर 1000। एक दूसरा चीज़ में क्या कहता है, z का y परसेंट बराबर 200 है, 200 है, तो zy बराबर 20000 होगा ना, यहाँ 10000, यहाँ पे 20000, zy बराबर 20000 और yx बराबर इतना। अब आपको क्या बोलता है, x और z में संबंध निकालिए। x और z में आपको संबंध निकालना है, लेकिन x और z में संबंध आपको कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन दूसरा है। देखिए इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, y इसमें भी शामिल है, y इसमें भी शामिल है, तो हमको y जो है, अब देखिए यहाँ पे एक है x, एक है y, एक है z। x जो है वो y को पहचानता है, z जो है y को पहचानता है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं पहचानता है। दोनों को आपस में कौन पहचान करवाएगा, ये y ही है ना, ये y जो है यही ना आपस में पहचान करवाएगा इस z को x से। तो हम क्या करते हैं कि इस y को कॉमन रख लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगी, यहां पर देखिए y बराबर 10000 बट्टा x, यहां पर देखिए y बराबर 20000 बट्टा z, यहाँ पे x y बराबर इतना, y बराबर इतना, दोनों y बराबर है तो ये भी आपस में बराबर ही हो जाएगी, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में हम लोग बराबर कर देते हैं। तो हमको यहाँ से क्या निकलेगा, 10000 बट्टा x बराबर 20000 बट्टा z, ये 40 से 40 कटा दीजिए तो z बराबर 2x, तो क्या होगा, z बराबर 2x आपका आंसर, शायद जेड बराबर 2x, ये ऑप्शन बी देखिए, ये है जेड बराबर 2x। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, यदि ए का 20% बराबर बी और बी का 40% बराबर सी, तो ए प्लस बी का 60% कितना होगा। यहाँ पे देखिए तीन संख्याएं हैं, तीनों को लिख लेते हैं, ए है, बी है और सी है। ए का 20% बराबर बी है, तो हम मान लेते हैं क्या, ए का बीस में बी है, तो बी अपना रिजल्ट के लिए ए पे डिपेंडेंट है और सी अपना रिजल्ट के लिए बी पे डिपेंडेंट है, बी का 40% बराबर सी है। तो अगर ए है 100, तो 100 का 20% बराबर बी है, यानी कि ये हो गया कितना 20, और बी का 40% सी है, यानी 20 का 40% कितना हो, 4 × 8, यानी सी का वैल्यू कितना होगा 8। हमको क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी का 60% कितना हो, ए प्लस बी मतलब कि 100 + 20, यानी कि 120 का 60% जो है वो है सी के कितना परसेंट के बराबर, सी मतलब 8, 8 के कितना प्रतिशत के बराबर है। तो इसको निकाल सकते हैं आसानी से, 120 × 60, 15 × 8 = 120, 15 × 6 = 90, 900। तो सी का कितना परसेंट, तो सी का 900% होगा आंसर, तो आपका ऑप्शन डी है, NOT। NOT का मतलब क्या था, none of these, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ए का एक्स परसेंट बी का वाई परसेंट के बराबर है, ए का एक्स परसेंट बराबर बी के वाई परसेंट के बराबर है,
इससे इसको घटा देते हैं तो ए एक्स बराबर बी वाई हो गई, ये हमको एक समीकरण मिल गया। तो बी का जेड परसेंट क्या होगा, तो बी का जेड परसेंट बराबर ए के फॉर्म में चाहिए हमको, बी का जो जेड परसेंट है, बी का जेड परसेंट है वो हमको ए के फॉर्म में चाहिए, तो बी का जेड परसेंट वो ए के फॉर्म में चाहिए, बी का जेड परसेंट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी बराबर ए एक्स बट्टा वाई, ए एक्स बट्टा वाई ये हमको मिल गई है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमको मिल गया यहाँ पे बी बराबर इतना। अब वो क्या कहता है, बी का जेड परसेंट तो बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बट्टा वाई। तो ए एक्स बट्टा वाई का जेड परसेंट क्या होगा, जेड परसेंट बराबर क्या होगा, जेड परसेंट बराबर क्या होगा, तो यही कहता है ना। तो अब इसको ए को गुना के फॉर्म में लिखना होगा, तो ए को हम यहीं पे लिख लेते हैं और एक्स जेड यहाँ की गुना के सिंबल को हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ हमको ऑप्शन के अनुसार मिलाना होगा, एक ए का यानी कि इसके बीच में गुना का सिंबल है तो यहाँ पे ए का एक्स जेड बट्टा वाई परसेंट कर देते हैं, ए का एक्स जेड बट्टा वाई परसेंट के सिंबल को ऐसा ही रख देते हैं, ये आपका हो गया आंसर। तो इस रूप में बस कन्वर्ट करना था, ज़्यादा कुछ नहीं था मुश्किल। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप करिए कि समझ में नहीं आई तो हम आपको समझा देंगे वीडियो कॉलिंग में। क्वेश्चन नंबर 37 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। यदि y का x परसेंट बराबर 80 का 4/5 हो तो एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, मान निकालिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई का एक्स प्रतिशत बराबर 80 का 4/5 हो तो एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। एक्स वाई का वैल्यू मतलब कि एक्स डॉट वाई यानी एक्स गुने वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई लीजिए यहीं पे लिख देते हैं, इसको कटाइए आपस में, 4/5 है ना, तो 5 से 16 पचे 80, 16 चौका 6400। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक्स माइनस वाई का 50% बराबर एक्स प्लस वाई का 30% है तो x का कितना प्रतिशत y है, हमको एक्स वाई का वैल्यू पार्टिकुलर निकालना है, अलग अलग निकालना है। देखिए कैसे निकलता है, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई के 30% के बराबर है। 100 को 100 से कटा देते हैं, 0 को 0 से कटा देते हैं, यानी कि x माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई बराबर 3/5। सिंपल सी भाषा में आप लोग देख लीजिए, ये दोनों देखिए आपस में बराबर है, तो x माइनस वाई के जगह पे 3 लिखा हुआ है और x प्लस वाई के जगह पे 5 लिखा हुआ है, दोनों को अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5, यह एक समीकरण बन गया। हम यहाँ से x और y का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको कटा दीजिए, 2x बराबर 8 यानी कि 2x बराबर 8 यानी कि x बराबर 4 लीजिए, x का वैल्यू निकल गया 4, इस 4 को किसी एक समीकरण में डाल दीजिए तो ये आ गया इधर, तो ये आ गया इधर, यानी कि 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, समझ में आई x y का वैल्यू कैसे निकला। अब इसके बाद देखिए, x का वैल्यू आपको 4 निकल गया, y का वैल्यू 1 निकल गया है, तो x का कितना परसेंट y है, x मतलब 4, तो 4 का कितना प्रतिशत बराबर 1 है ना, तो 4 का कितना परसेंट 1 है, तो k बराबर 100/4 यानी कि 25%। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है, x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाती है, x का मान क्या होगा। देखिए x है, x में 6 बढ़ा दिए जाए, 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाती है। अब देखिए कोई भी चीज़ जो है अपने आप में कितना होती है, 100% होती है, अब ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ गया तो बराबर x का 102% हो जाती है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जो है वो तो है 100% तो है पहले, यहाँ पर हम 6 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 2% बढ़ जाती है, मतलब 2% जो है वो 6 के बराबर है, यानी किसी संख्या का 2% जो है वो 6 के बराबर है। तो हम इसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो हमको आंसर मिल जाएगी। तो देखिए 51/50 51x/50 तो एक्स माइनस 51x/50 बराबर -6 लिखेंगे तो -x बराबर -x/50 बराबर -6, इससे कट गया तो x बराबर 6×5=30 यानी कि x बराबर 300 निकल गई। यह भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या होगा कि 6 जो है 2% के बराबर है, तो कितना का 2% वो 6 के बराबर है, तो 2 × 6 यानी कि k बराबर 100 × 3 यानी कि 300% के बराबर। तो दोनों तरीका में से कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, मुँह जवानी भी बना सकते हैं बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है कि यदि a के 5% का मान 10 है, a का 5% का मान 10 है, a का 5% बराबर जो है वह है 10 है, तो a का मान कितना होगा। बिल्कुल सिंपल से 5 × 10 तो a बराबर 200। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यदि y के 5% का मान 36 है तो y का वैल्यू कितना होगा। तो y प्रतिशत का वैल्यू जो है वह है 36, तो y स्क्वायर बराबर 3600, तो y बराबर √3600, तो y बराबर कितना होगा यानी कि 60। 3600 का √3600 यानी कि 6×6 = 10×10 यानी कि 60 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान कितना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, x का 16% का मान जो है, x का 16% का वैल्यू जो है वो है 48 के 12% के बराबर। 100 से 100 घटा दीजिए, 16 × 3 = 48, तो x बराबर 12 × 3। तो ये रहा आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। अब हमको चैप्टर यानी एक्सरसाइज 2 में प्रवेश करेंगे परसेंटेज चैप्टर के, जिसमें आप लोग लैंग्वेज का फुल यूज होगा। यहाँ पे हम लोग छोटी मोटी चीज़ें सीखे लैंग्वेज का, उसमें पूरा यूज होगा। और परसेंटेज के बाद हम आपको पढ़ाएंगे लॉस एंड प्रॉफिट, फिर देखिए आगे कोई आपको दिक्कत नहीं हो पूरा मैथ में। इसके अलावा आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। बस आप लोग हमारे मास्टर नोट्स को लीजिए, स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन करिए, फिर आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।